नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने सही देखा कि आज हमारा टॉपिक है कि आप बच्चों को विजुलाइजेशन कैसे कराएं अबेकस को, या विजुलाइजेशन की एक्टिविटीज को कैसे डेवलप करें। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ हमारे फ्रेंचाइजी और मैक्सिमम टीचर्स इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि सर बच्चों को विजुलाइज कैसे कराएं। बच्चों को लेवल वन के अंदर अबेकस टूल पर तो सिंगल डिजिट का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ गया है, लेकिन विदाउट अबेकस को कैसे कराएं, मेंटल मैथ पर बच्चों को कैसे ले जाएं, कैसे टूल को विजुलाइज कराएं, तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर है। तो मैं आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं अबेकस, वैदिक मैथ, मिडब्रेन, डीएमआईटी से संबंधित या मेमोरी साइंस के ऊपर वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में रेगुलर लाता रहूंगा। अगर आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देखनी है या इस प्रकार की वीडियोस देखने हैं तो आज ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। बच्चों को एक टूल को विजुलाइज कराने के लिए आपको सबसे पहले बिट्स को विजुलाइज कराना है, यानी अबेकस पूरा विजुलाइज कभी भी नहीं होगा बच्चों को। तो आप बच्चों को हमेशा बिट्स को विजुलाइज कराएं। कैसे कराना है? तो स्टेप वन, जब बच्चों का स्मॉल फ्रेंड कंप्लीट हो जाए, यानी आप अगर पहले डायरेक्ट सम सिखाते हैं लेवल में, फिर स्मॉल फ्रेंड सिखाते हैं, जैसे ही स्मॉल फ्रेंड कंप्लीट होता है तभी से आपको लेवल वन के अंदर ही विजुलाइजेशन यानी मेंटल मैथ पर ले जाने की प्रिपरेशन करनी होती है। सबसे पहले बच्चों को बिट्स को विजुलाइज कराएं। जब बच्चों को विजुलाइज कराना है तो उसके एक तरीका है, आप अपने बोर्ड के ऊपर बिट्स बनाएं। आपको बच्चों को क्या बनाना है अबेकस के ऊपर? बिट्स बनाना है आपको। अपने व्हाइट बोर्ड पर आपने बनाया वन बिट, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, बनाइए। और बनाने के बाद बच्चों से कहना है कि आपको 5 सेकंड तक इसको देखना है। बनाया 9, या आप अपने टीचर अबेकस में भी बना सकते हैं, 9 बनाया, और बच्चों से कहो अब इसको आंख बंद करके इसको विजुलाइज करो कि आपको 9 बना हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करानी है पहले बिट्स की विजुलाइजेशन की। और इस चीज को कराने के लिए आप चाहे तो फ्लैश कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास फ्लैश कार्ड होगा, नहीं है तो आप हमसे परचेज भी कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड के थ्रू भी आप टूल्स को विजुलाइज करा सकते हैं। इसके अलावा भी अभी हमारा एक सॉफ्टवेयर भी बन रहा है, आपको एक डिजिटली हमारा फ्लैश कार्ड आ रहा है, जिसके लिए आपको कार्ड की जरूरत ना पड़ेगी। बच्चे अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप पर भी उस बिट्स को विजुलाइज कर सकते हैं। तो हम आगे डिस्कस करें कि आपको जैसे बिट्स को विजुलाइज आपने करवा लिया, उसके बाद अब आपको करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब याद रखना कि आप बच्चा अपने क्लास के अंदर तो अभी स्मॉल फ्रेंड कंप्लीट किया, उसका बिग फ्रेंड चल रहा है, लेकिन आपको जो मेंटल मैथ यानी आपको जो विजुलाइज कराना है वो केवल डायरेक्ट सम कराने हैं, और डायरेक्ट में भी केवल पॉजिटिव और लोअर बिट्स का, जैसे +1 +1 +1, सिंपल, यहां पर कोई भी नेगेटिव नहीं आया, लोअर बिट्स आया है। फिर आपको बच्चों को विजुलाइज कराना है +2 +2, क्लियर, यानी आपको केवल 2 रो, सिंगल डिजिट 2 रो की प्रैक्टिस करानी है, वो भी लोअर बिट्स और वो भी पॉजिटिव। उसके बाद आपको सिंगल डिजिट और ट्रिपल रो की प्रैक्टिस करानी है, लोअर बिट्स पॉजिटिव। करीब 20 से 25 क्वेश्चन कराने के बाद आपको उसमें नेगेटिव यानी माइनस वाले क्वेश्चन भी कराने हैं आपको, यानी जैसे +2 -1 -1। अब यहां पर हम लोगों ने +2 किया था, पर -1 -1 किया था, यानी हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया है, लेकिन केवल लोअर बिट्स का, और वो भी ट्रिपल रो। यानी आप लोगों को करीब 2 क्लासेस तक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कराना है, वो भी लोअर बिट्स का। इसके बाद आपको अपर बिट्स को इंक्लूड करना है, जैसे +5 +2, ठीक है। अब बच्चों से कहो कि मैंने +5 किया है, +2 किया है, अब इसको विजुलाइज करें, आप विजुलाइज करें 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो विजुलाइज हो गया। इस प्रकार आपको पहले डायरेक्ट में, फिर
उसके बाद आपको स्मॉल फ्रेंड कराना है। और याद रखने, स्मॉल फ्रेंड कराएंगे आप तो केवल आपको सिंगल डिजिट और टू रो ही कराना है, जैसे प्लस फोर प्लस वन। अब बच्चों को बोलना है, देखो प्लस फोर किया आपने माइंड में, अब प्लस वन नहीं हो रहा है, तो यहां पर कौन सा फ्रेंड लगाएंगे, स्मॉल फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस फोर प्लस टू, क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल आपको स्मॉल फ्रेंड में सिंगल डिजिट और डबल रो का ही प्रैक्टिस कराना है। इसके बाद फिर आप लोगों को रो को बढ़ाता हुआ जाना है, और इस प्रकार की प्रैक्टिसेज आप बच्चों को कराएंगे। और इसके लिए आज कुछ सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग हाल में एक प्रैक्टिस के एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जो शायद 2 वीक में हमारे सामने आ जाएगा, तो आप चाहे तो उस सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को इस प्रकार प्रैक्टिसेस कराएं। और साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका बच्चों का लेवल 1 कंप्लीट हो जाए तो बच्चों को बेसिक जरूर कराएं।